जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि CSIR NET JRF का एग्ज़ाम डेट आ गया है। ये एग्ज़ाम 29 जनवरी 2022 को होने वाला है। कुछ ही दिन पहले अभी इसका डेट अनाउंस हुआ है, फॉर्म अभी नहीं आया, फॉर्म जैसे आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जैसा CSIR ने कहा था कि एग्ज़ाम होने के 2 महीने पहले वो बताएंगे, तो उन्होंने 2 महीने पहले बता दिया है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमको पढ़ाई करते रहना चाहिए और पढ़ाई जो हो वो पूरी प्लान्ड मैनर में हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं एजुकेटर हूँ इडू फोकस एजुकेशन में, और मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ कि हम लोग लेके आए हैं एक क्रैश कोर्स जो 60 दिन का है। इस 60 दिन में हम क्या क्या कराने वाले हैं, इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, 60 दिन है और क्या क्या कराने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं इस कोर्स क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने से, ये आपको पता चलेगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आप आसानी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि एक बहुत दिनों बाद एग्ज़ाम आया हुआ है। बहुत दिनों बाद, हम लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे इस एग्ज़ाम का, तो बहुत दिनों बाद आया हुआ है और इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें यानी 3C। पहला सी है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि कितना पढ़ना है, मतलब सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हमें कितना पढ़ना है और किस मॉड्यूल को कितना पढ़ना है। पता चला कि हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अच्छी लग रही है तो हम मॉलिक्यूलर ही पढ़े जा रहे हैं 2 महीने तक, तो सिर्फ मॉलिक्यूलर पढ़ने से तो नहीं होगा, या सिर्फ एक कोई मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल पढ़ने से तो नहीं होगा, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कितना पढ़ना है। और मॉलिक्यूलर में भी या 13-13 जो मॉड्यूल हैं उसमें से किस किस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोगों के पास है, हम उसका पूरा एनालिसिस किए हुए हैं और पूरे एनालिसिस के बेसिस पे हमने ये क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट किया हुआ है। दूसरा सी जो है वो है कॉन्फिडेंस, कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, जिस जगह से पढ़ रहे हैं सही जगह से पढ़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं और आपको मन में डाउट है कि यार हम पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं इस एग्ज़ाम में इसे आएगा कि नहीं आएगा। तो जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके टीचर हैं, उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस करिए और वो बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, एनालिसिस कर सकते हैं। जो टॉपिक है जैसे कि लाइफ साइंसेस का टॉपिक है तो अच्छी अच्छी किताबें उठाइए और पढ़िए। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। और जो तीसरा है, लास्ट नॉट द लीस्ट, इज कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा। एक दिन सैटरडे और संडे को बैठ के 24-24 घंटे पढ़ लेने से, 24 घंटे कोई पढ़ता नहीं है वैसे, 24-24 घंटे पढ़ लेने से नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे दिमाग की, हमारे ब्रेन की भी तो एक कैपेसिटी है ना, कि हम कितना समझ सकते हैं और कितना नहीं समझ सकते हैं और कितना ज़्यादा हम फोकस रह सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए ना जिसमें आपको कुछ मिलता रहे, हमेशा कुछ मिलता रहे, मतलब आप नया चीज़ सीखते रहें और आपको पता चलता रहे कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना बाकी है, इसी से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 60 डेज का है। 60 डेज में लगभग 4 बार हम रिवाइज करा देंगे आपको। जैसे देखिए हमने सिलेबस बनाया हुआ है, अब इस सिलेबस में आप देख रहे होंगे कि हमने 4 कॉलम किनारे से बनाया हुआ है। इस 4 कॉलम में हमने ये छोड़ा हुआ है, इसलिए बनाया हुआ है कि हम लोग टिक करते जाएंगे कि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, कितने टॉपिक को कितने बार पढ़ लिया और कितना टेस्ट हो गया। ये PDF फॉर्मेट में सिलेबस है जिसको डाउनलोड आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। उसको डाउनलोड करने का कोई पैसा या कोई चार्ज नहीं है, आराम से डाउनलोड करिए, इसको प्रिंट करके अपने पास एक स्टेप फाइल ले लीजिए और प्रिंट करके अपने पास रखिए और सिलेबस के हिसाब से आप देखते जाइए। देखिए ये सिलेबस हमारा नहीं है, मतलब ये सिलेबस कोचिंग का नहीं है, ये सिलेबस जो है वो CSIR NET JRF का है। तो इसमें ना आप ये काम कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, 4 कॉलम दिया हुआ है, तो प्रिंट करके अब जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसको टिक करते जाइए, जिसका आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसको भी टिक करते जाइए। तो कम से कम एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन आपको पता तो रहेगा ना कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, कौन कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। और ये इसलिए ना कि जैसे ये हनुमान जी को बल याद दिलाने वाला काम करेगा, मतलब लास्ट में आप देखेंगे खुद ही सिलेबस उठा के जब देखेंगे, अरे हमने इतना पढ़ा हुआ है क्यों नहीं होगा एग्जाम, बिल्कुल होगा। और ये सिर्फ ये 2 महीने की बात नहीं है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में, जहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ प्रिपरेशन जैसे ही पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो आपको ये फ़ायदा होगा
एक बार एक फाइनल टच आपको इस सिलेबस से मिल जाएगा, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन, इसका डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और डिटेल, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट करके अपने पास रखिए। और जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको तो मैं रोज टिक कराते ही जाऊंगा, रोज बताते जाऊंगा, मैं इसी सिलेबस से बताऊंगा डेली, एक दिन पहले या दो दिन पहले, कि कल कौन सा या परसों कौन सा टॉपिक चलने वाला है, उस पर टिक करते जाएंगे स्टूडेंट, उनको पता चलते जाएगा कि कितना उन्होंने पढ़ लिया और कितना बाकी है। इसके बाद से क्लासेस जो है ना, ये हाइब्रिड मोड की है, मतलब ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। तो जो ऑफलाइन में हमारे स्टूडेंट हैं वो भी आएंगे, और जो ऑनलाइन में हमारे स्टूडेंट हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। तो कोई और भी स्टूडेंट है जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पहले ये 20 दिन, आप कहेंगे सर 20 दिन में आप पूरा सिलेबस कह रहे हैं कि 4 बार खत्म कर देंगे, तो कैसे खत्म कर देंगे? तो देखिए, हम बता रहे हैं कैसे खत्म कर देंगे। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, हम आपको अपने प्रीवियस लेक्चर के सारे बैचेस में ऐड कर देंगे। ये देखिए, सारे मॉड्यूल के जो क्लासेस हुए हैं सब में ऐड कर देंगे। तो क्या फायदा होगा आपको? आप सारी क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट जो एक एक साल से कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, वो सारे लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप आसानी से इसको देख सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे आपको सिलेबस में भेज दिया गया कि ये हम DNA रिप्लिकेशन पढ़ाएंगे, तो आप यहाँ देखिए मॉड्यूल 3 लिखा हुआ है। मॉड्यूल 3 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जाइए, नीचे लाइव क्लासेस का ऑप्शन होगा, उस लाइव क्लास के ऑप्शन पे आप टिक करिएगा। जैसे ही लाइव क्लास के ऑप्शन पे टिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिखाई देंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूलर का ही है ये, तो इसमें देखिए सारे रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं। आप आसानी से कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर आसानी से देख सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए। कोई लिमिट नहीं है कि आपको 2 बार देखने को मिलेगा, 3 बार देखने को मिलेगा, नहीं, 2 महीने तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए इसी क्रॉस क्रॉस में अवेलेबल है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखिए। एक ही नहीं, हर एक मॉड्यूल का रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद देखिए, टेस्ट तो होना चाहिए ना, हर क्लास के बाद टेस्ट है, हर क्लास के बाद टेस्ट है। देखिए ये पहले के जो टेस्ट हुए हैं ये भी पूरा आपको असाइन कर दिया जाएगा, फिर से असाइन कर दिया जाएगा। आप टॉपिक पढ़ते रहिए और टेस्ट देते रहिए और खुद को देखते रहिए। जैसे कि इसमें देखिए बहुत ऐसे टेस्ट हुए हैं जिनका, जैसे मान लीजिए कैंसर क्लास 1 का टेस्ट हुआ है, तो इसमें देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, इनका जो जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट आया है, आपको भी पता चलेगा, डेली टू डेली आपको पता चलेगा। सोचिए आपको डेली टू डेली पता चलेगा कि आप कितना मार्क्स पा रहे हैं, कितनी तैयारी आपकी हो गई है। ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, और डेली टू डेली टेस्ट होता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ एक हफ्ते में होगा या 2 हफ्ते में होगा, ऐसा नहीं है, डेली टेस्ट होगा, और डेली 3 से 4 टेस्ट भी हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद से ये देखिए लाइव चैट का ऑप्शन है, मतलब आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर होगा, आपका बस नाम आएगा और हमें पता चल जाएगा कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे भी जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे आसानी से, आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, PDF भेज सकते हैं, JPG भेज सकते हैं। देखिए पुराने स्टूडेंट जो है वो भेजे हुए हैं क्वेश्चन, और हर एक स्टूडेंट भी आपका क्वेश्चन देखेगा, मैं भी देखूंगा, जो टीचर पढ़ाए रहेंगे वो भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आप आसानी से आप क्वेश्चन यहाँ पे अपना भेज सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ किसी की बात को सुन सकते हैं, जैसे पुराने लेक्चर्स भी हुए हैं, और ये सब के सब स्टूडेंट जो है हमेशा चैट में इन्वॉल्व रहते हैं। बस हेलो है नहीं होता यहाँ पे, ये क्वेश्चन डिस्कशन होता है, क्योंकि मैं रेगुलर वॉच करते रहता हूँ कि इस चैट ग्रुप में क्या हो रहा है। हाँ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर किसी को शेयर नहीं होगा, सिर्फ आपका नाम और कुछ नहीं, सिर्फ आपका नाम जाएगा। इसके बाद से देखिए हर एक क्लास का PDF नोट अवेलेबल है। जैसे देखिए बायोकेमिस्ट्री में, मैं दिखाते जाऊँगा आपको, देखिए बायोकेमिस्ट्री में ये पढ़ाया गया है, ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं, मतलब क्लास में लिखा जाता है ये सारी चीज़ें, क्लास में प्रोजेक्टर लगा रहता है, उसी से ये पढ़ाया जाता है। यहाँ सेल बायोलॉजी, देखिए सेल बायो का नोट्स सब PDF फॉर्मेट मिल जाएगा, एनिमल फिजियोलॉजी सबका। अच्छा, बहुत सारे लेक्चर डिलीट हो चुके हैं इसमें से, लेकिन उसका भी बैकअप है जो आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे मॉलिकुलर पढ़ाया गया है, ये ट्रांसलेशन का लेक्चर है, सब मिल जाएगा। इकोलॉजी में देखिए आइलैंड बायोजियोग्राफी, ये सब पढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, PPT से बहुत कम पढ़ाया जाता है। ये देखिए, ये तो पक्का इस बार क्वेश्चन ही आने ही वाला है, देख लीजिए होम्योटिक सेलेक्टर जीन से, तो ये तो आएगा ही क्वेश्चन। और प्लांट फिजियोलॉजी में हर एक टॉपिक से देखिए ये सब पढ़ाया गया है, सबका नोट्स अवेलेबल है। आप क्लास की रिकॉर्डिंग देखते समय नोट्स बना सकते हैं, लेकिन ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अरे अमित जी आ गए। तो देखिए यहाँ पे
एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी कि एपिस्टेसिस वगैरह पढ़ाया गया है, तो सारा नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप आसानी से देख सकते हैं, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, यानी कि इकोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी का, सबका नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करने के लिए आए हैं, हम आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर भी देंगे, हैंड रिटन पीडीएफ नोट भी देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी देंगे, रेफरेंस बुक पीडीएफ में जो भी स्टैंडर्ड किताब से पढ़ाएंगे सब आपको मिलेगा, और टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये पूरा का पूरा हमारा 60 दिन का करिकुलम होगा। वैसे ये हमारे कोचिंग के पूरे सेशन का करिकुलम रहता है, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं अच्छे से कि ऑनलाइन वीडियो और ऑफलाइन वीडियो सब, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको भी ऑनलाइन के सारे कोर्सेस अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्लास चल रही है तो सामने भी बच्चे बैठे रहते हैं और रिकॉर्डेड भी, ये तो पुराना स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट को जो भी मन करता है वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ नोट्स में देखिए ये हर जगह कंपेटेबल, कहीं भी आप ओपन कर सकते हैं, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं आसानी से, आपके मोबाइल में रहेगा, समझिए कि कोचिंग आपके मोबाइल में। इसके बाद टेस्ट का एकदम ध्यान देना है हम लोगों को, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, टेस्ट का डिस्कशन भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, टेस्ट का रिजल्ट सॉल्यूशन सारी चीज़ें से टेस्ट का डिस्कशन, उसका रिकॉर्ड भी, संजोग से आपने टेस्ट नहीं दे पाए तो आपको बाद में साइन होके मिल जाएगा, आपने टेस्ट दिया उसका डिस्कशन हुआ और डिस्कशन करते समय आप अवेलेबल नहीं है तो उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, और बाद में आपको कुछ भी पूछना है तो आप चैट के थ्रू आसानी से पूछ सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करके पूछ सकते हैं। क्लास शेड्यूल की बात आ गई अब कि सर 60 दिन का जो प्लान बनाया है आपने, इसका क्लास शेड्यूल क्या रहेगा, किस टाइम पे क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पहले से भी बैचेस चल रहे हैं, मतलब सुबह और शाम में क्लासेस चलती हैं, तो उनमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा जिसमें पूरा थोरोली पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से जो रिवीजन क्लासेस हैं उसमें तो आप रहेंगे ही, एक बैच चलेगा मॉर्निंग में 7:30 से 9:30, ये 10:30 तक जाता है, और एक 11 से 12:30 PM तक, और एक शाम को 6 से 8, और एक रात में 9 से 10:30। इसके लिए आपके घर पे परमिशन लेना होगा, ले लीजिएगा, लेकिन अभी हमारे पास 60 दिन का समय है तो हम एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, बीच बीच में इतना हमने गैप क्यों दिया है, क्योंकि माइंड को रेस्ट चाहिए, हमें भी चाहिए, हमारे टीचर को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, बीच बीच में आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और पूरा तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर आसानी से बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम 6 घंटा लगातार पढ़ाएंगे तो वो ब्रेन आपका कैप्चर नहीं करेगा, वो मतलब ठीक है हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है वो, हम 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद भी लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, जैसे कोचिंग में कभी 7-7 घंटे की क्लासेस होती हैं तभी हम 2 घंटे बाद आधे घंटे का रेस्ट, या हर कोचिंग वाले देते हैं या हर कॉलेज वाले देते हैं, हर जो भी लोग पढ़ाते हैं वो देते ही हैं, दिमाग को रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये शेड्यूल है, आप देख लीजिए, इसमें से आप मतलब हो सकता है कि आप कोई लैब ज्वाइन किए हुए हो, या कहीं जॉब कर रहे हो, या कहीं टीचर हो आप, या रेगुलर स्टूडेंट हो आप, तो जो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं लाइव ज्वाइन करिए, और जो आप लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उसको अपने फ्री टाइम में रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि हर सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल, और रिकॉर्डिंग की एक और खास बात है कि उसको आप 2x 2.5x पे भी फॉरवर्ड करके आसानी से देख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आसानी से क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, देखिए हमारा जो क्रैश कोर्स है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, क्लासेस आप कहीं से भी करिए अपने सुविधा अनुसार, आप लैब में हैं, आप बहुत दूर हैं, मतलब फिजिकली यहाँ पे अवेलेबल नहीं रह सकते हैं वाराणसी में, और अपने घर में रह के अपने मोबाइल में, सोचिए कि हमारी कोचिंग अब आपके मोबाइल में हो जाएगा, मोबाइल लैपटॉप जैसे, या अपने कॉलेज जॉब कहीं भी कुछ भी कर रहे हो आप आसानी से इसको आराम से पढ़ सकते हैं। एक वीडियो को आप कई बार देखिए, कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहें आप उतनी बार देखिए, ठीक है। और देखिए, अच्छा तो मैंने अपना ही नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो 90% के करीब लेक्चर्स मेरे ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी का बेनिफिट हमारे स्टूडेंट को ज़्यादा मिलता है कि मुझे सब पता है कि क्वेश्चंस कहाँ, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्वेश्चन किधर से ज़्यादा आते हैं, कौन सी किताब में किस जगह पे क्या लिखा हुआ है, जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और कौन सा क्वेश्चन किस किताब को, किस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ये पता है, आप लोगों को पता होगा, जो स्टूडेंट पूरी बात, जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं मेरे स्टूडेंट हैं, वो कमेंट्स में जरूर बताएंगे क्या ऐसा सच में है कि नहीं है, पता चलता ही होगा आप लोगों को, कि कोई भी आप लोग पूछते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन, तो हम तुरंत बताते हैं आपको कि ये बुक उठाइए, ये पैराग्राफ उठाइए, ये टॉपिक उठाइए, आसानी से आपको कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे तभी तो आपको बेनिफिट होगा,
आप खुद लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, लेकिन हम तो आपको नोट्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पीडीएफ दे देंगे, आप भी नोट्स बनाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे ही कोर्स में रजिस्टर्ड होंगे वीडियो शुरू हो जाएगा, अपने सुविधा अनुसार आप देख लीजिए। हाँ, ये याद रखिएगा, लेक्चर्स जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, लेकिन ज़्यादा हिंदी होगा, ज़्यादा हिंदी होगा, ठीक है। तो अपने सुविधा अनुसार, अगर कोई ऐसा है कि वे सोच रहा है कि केवल इंग्लिश में होगा तो ऐसा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके होगा, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्लास करने में। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप ये एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे तो हम आपको कॉल करेंगे, एक मैसेज आएगा, आप हम कॉल करेंगे या मैसेज आप खुद भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। वेब लॉगिन भी है, टैब लॉगिन भी है, टैबलेट पे भी लॉगिन हो जाएगा, एंड्रॉयड और iOS सब में लॉगिन हो सकता है एप्लीकेशन पे, और लैपटॉप से आसानी से दे सकते हैं। अब आगे की, आगे कॉस्ट की 4999 रुपीज़ है, 4 महीने में ये सारी चीज़ें, सॉरी 2 महीने में, 60 दिन में ये सारी चीज़ें आपको हम मात्र 4999 रुपये में दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि बेनिफिट होगा तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। याद रखिएगा कि जो भी क्लासेस होंगी सब के सब ऑनलाइन और ऑफलाइन सिंक्रोनाइज्ड होंगी, कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी जो कि ऑफलाइन ना हो सिर्फ ऑनलाइन हो, या ऑनलाइन ना हो सिर्फ ऑफलाइन हो, एक भी ऐसा डिस्कशन नहीं होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन हो या सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हो। याद रखिए, हाँ वो रात वाला जो सिलेबस है ना 9 से 10:30 वो ऑनलाइन है, लेकिन उसको भी हमने ऐसा प्लान किया हुआ है कि उसमें भी आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, बताया जाएगा कि ये पढ़िए यहाँ से पढ़िए, और पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में आप या कमेंट सेक्शन में आप आराम से हमको बता सकते हैं। और याद रखिएगा कि आप पेमेंट करने के ऑप्शंस हैं, आप हमको कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। कोर्स अच्छा है, कम ड्यूरेशन का है और बहुत ही इफेक्टिव है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये ज़रूर याद रखिए कि हमारे वहाँ के लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। खैर ये मैं तो अपने मुंह से कहूँगा तो क्या ही फ़ायदा, स्टूडेंट खुद ही बताएंगे कमेंट्स में। और मेरे पुराने लेक्चर्स हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, देख सकते हैं। सारे वीडियोज सब कुछ आपको मिलने वाले हैं, सारा नोट्स मिलने वाला है, डेली टेस्ट मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एक पूरी पैकेज है ये प्रिपरेशन का, ठीक है। तो इतना देर तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमें बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर CSIR NET JRF जनवरी 2022। थैंक यू।